ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स में अगर आपके दो इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से L1 L2, तो ऐसे केस में, और इसमें म्यूचुअल इंडक्शन निगलेक्टेड है, सिर्फ सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही है, तो एक कॉइल का सेल्फ इंडक्शन का कोफिशियंट L1 है और एक का L2 है, तो टोटल EMF क्या होगी सीरीज में, E1+E2, और EMF होती क्या है, -LdI/dt, तो -L2dI/dt, -L1dI/dt, और अगर दो इंडक्टर की जगह एक इंडक्टर हो तो -LdI/dt, dI/dt सेम होगा क्योंकि ये कॉइल्स किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में, तो dI/dt कैंसिल, तो L की वैल्यू क्या आएगी, L1+L2, और अगर म्यूचुअल इंडक्शन भी अपना रोल प्ले करे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यूज, L1+L2+2M, इसका प्रूफ नियम करेंगे, तो फॉर्मूला नोट कर लो, सिर्फ यूज़ नहीं होता वैसे। और उसी तरीके से इसके अंदर करंट कैसे जा रहा है, राइट, फिर इसमें भी कैसे जा रहा है, राइट राइट राइट, लेकिन अगर ऐसा केस हो, करंट ये सीरीज में ही है, करंट जा रहा है राइट, यहाँ से क्या हो गया लेफ्ट, ऐसे गया फिर ऐसे घूम गया, देखो, तो ऐसे केस में L इक्वलेंट का कोई चेंज नहीं है L1+L2, लेकिन L के साथ जब M लेना है तो आंसर क्या होगा, L1+L2-2M, क्लियर है यहाँ तक, तो ये आप इसमें ये याद रखें। और अगर पैरेलल में इंडक्टर्स कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में I=I1+I2 रेजिस्टर्स की तरह इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dt, और E क्या होता है -LdI/dt, तो dI/dt क्या होगा -E/L, तो यहाँ पे पुट करेंगे -E/L2 -E/L1 -E/L इक्वलेंट, E की वैल्यू विल रिमेन सेम क्योंकि इंडक्टर्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अगर इंडक्टर्स पैरेलल में है तो L इक्वलेंट इसके इक्वल आएगा, और M निगलेक्टेड है, लेकिन अगर M भी लेना है तो फिर ये फॉर्मूला वैसे यूज़ नहीं होता, लिखा हुआ है ज़रूर इसमें, तो ये इंडक्टर सीरीज एंड पैरेलल का केस है।